राइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। राइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटौतला, रायपुर। पंडरी थाने में जिस प्रकार से पुलिस प्रताड़ना में मौत हुई थी अश्वनी की, और साथ ही लटोरी थाने के अंतर्गत में चौकी में कतलम जेई की जो मौत हुई है, उस विषय पर आज ध्यानाकर्षण के द्वारा रखा गया, और जिसमें गृह मंत्री जी के द्वारा ये बात कही गई कि उसमें जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश किए हैं, और हमने उसमें जो मांग किया है कि वास्तविक में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रताड़ना में, पुलिस के कस्टडी में लगातार मौत होते जा रही है, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है, और इस विषय पर उनके परिवार को एक तो क्षतिपूर्ति की राशि दे जाने के लिए मांग की गई है, जिसमें गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उसमें निर्देशित किए हैं, और साथ ही उस परिवार को जिस जेई के नौकरी में थे उसके समकक्ष नौकरी उनको दिए जाने के, परिवार को एक आदमी को उनके लिए बातचीत किए हैं। वास्तविक में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार पुलिस कस्टडी, पुलिस प्रताड़ना में जो मौतें हो रही है, आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में वो गूंज उठी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पुलिस प्रताड़ना के अंतर्गत में किसी की मौत ना हो, इसके लिए गृह मंत्री जी से और सरकार से हम लोग आश्वासन चाहते हैं, और इस बात को लेकर के हमने उनको दिशा निर्देशित करने के लिए एक आदेश जारी करे कि जिससे आने वाले समय में घटना रुक सके। कानून व्यवस्था को लेकर आप लोगों ने स्थगन लाया था, लेकिन आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में आप देखेंगे कि लगातार वारदात हो रही है, एक परिवार के चार लोगों को मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, अनाचार की घटनाएं लगभग इस सरकार में आने के बाद में 5,000 से ऊपर, 12,000 लोग प्रदेश में आत्महत्या किए हैं, यहाँ पर अगवा करने का काम, फिरौती मांगने का काम, और आज आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। इस बात को लेकर के विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर के स्थगन प्रस्ताव हमने सूचना दी थी, और इस सूचना के माध्यम से हम चाहते थे कि इस पर विस्तार से चर्चा हो, ताकि आने वाले समय में आम आदमी ये महसूस करे कि प्रदेश हमारा सुरक्षित है, हम इसमें सुरक्षित हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो सके, और सरकार चर्चा कराना चाहती नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि वो अग्राही हो जाए। उसके बाद भी आसंदी से हमने निवेदन किया है कि इसको किसी न किसी रूप में इस पर उसको ले और उस पर चर्चा कराई जाए, ताकि जो स्थगन लगाए हैं उस पर अपना प्रश्न भी पूछ सके और सरकार को इसके लिए सुझाव भी दे सके।